नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भरतिया कोठी के जनसभा का आयोजन किया और इस जनसभा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी और डिंपल यादव ने हिस्सा लिया है। अखिलेश और शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों को बताते हुए नेताजी के सम्मान में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान कर डिंपल यादव को जिताने की अपील भी की है। और इस दौरान ही शिवपाल ने अखिलेश यादव को नेताजी के निधन के बाद लोग छोटे नेताजी कहकर बुलाना शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लड़ना पड़ रहा है और इसलिए ये प्रतिष्ठा का चुनाव है। सरकार की पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेज रही है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पर तानाशाही से वोट नहीं मिलता है। डिंपल यादव हमारी बहू है, समाजवादियों की बहू है और इस बार चुनावी मैदान में है, इसलिए हम चाहते हैं कि नेताजी को सभी लोग छोटे नेताजी के नाम से पुकारे। और शिवपाल यादव को जनसभा में संबोधित करते हुए कहा कि डिंपल यादव हमारी बहू है, आप सबकी बहू है। नेताजी के निधन के बाद ये चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है और ये चुनाव बीजेपी सरकार से हो रहे। उन्होंने कहा कि सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरकार की पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को 107-17 और धारा 151 के फर्जी मुकदमों में पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में हम कहना चाहते हैं कि तानाशाही से वोट नहीं मिलता, वोट काम करने से मिलता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य पर निशाना साधते हुए कि मेरा शिष्य है और वो तो चेला भी बनने लायक नहीं है और चेला भी अपने गुरु को बताकर कहीं जाता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में किसान महंगी बिजली और खाद ना मिल पाने के कारण परेशान है। किसानों पर बिजली के लोग जो है मुकदमे लिख रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने अडानी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस अडानी को कोई जानता नहीं था वो आज दुनिया में दूसरे नंबर और देश में पहले नंबर के रसीब में है। उन्होंने कहा कि नेताजी को पहले लोग बड़े मंत्री और मुझे छोटे मंत्री कहा करते थे, इसी तरह हम चाहते हैं कि नेताजी के निधन के बाद अखिलेश यादव को छोटे नेताजी कहकर बुलाना शुरू कर दे। पड़ता है और 6 बार के विधायक आलम बदी साहब खड़े हो जाओ थोड़ा सा जनता से। आलम बदी साहब, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, जिनको आपने सुनाई है, और समाजवादी पार्टी के नेताजी के साथ संस्थापकों में से हैं, जिनको अभी सुना है और पक्के समाजवादी हैं। राम सिंह साथ जी रहे हो, उन्हें किसने लोकसभा में भेजा? नेताजी ने भेजा। ये जो प्रत्याशी आए किसने भेजा? चाचा और नेताजी ने भेजा। मुझे याद है एक प्रधान थी, वो हमसे आई, कहा कि हमारा गांव में सम्मान हो जाएगा अगर आप हेलीकॉप्टर उतार दो। हमारे पुराने नेता जानते होंगे, सत्ता और प्रदीप जी। तो मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर उतारने में बड़ा झगड़ा हो जाएगा मामला, हमारे गांव में अपने वोटों की बहुत है वहां। तो मैंने इन दोनों नेताओं से कहा कि भाई अपने लोगों को मनाना, हमें हेलीकॉप्टर से आ जाने दो, कम से कम उनका सम्मान हो जाएगा। हमें क्या पता था कि सम्मान के चक्कर में दूसरे लोग ज्यादा सम्मान दे देंगे किसी को। तो सोचो, समाजवादी लोगों ने सम्मान दिया, आगे बढ़ाया। ये हमारे लोग समझ नहीं पा रहे, कई बार बीजेपी की साजिश बड़ी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उस संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिले, अधिकारों को छीनने की साजिश है।
अमेठी में केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी की पहल पर निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया है और साथ ही स्मृति ईरानी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए उनसे बात भी की है और साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया है। निवेश में हो रही किसी भी तरीके की दिक्कत को जिला प्रशासन के साथ हमसे भी बात कर सकते हैं। जो अमेठी अभी तक वीरान थी, अमेठी को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं, पहले भी प्रधानमंत्री जी ने एक 203 गन फैक्ट्री की शुरुआत की थी, इसके लिए हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी के विकास के लिए हम हमेशा तैयार हैं और जो भी दिक्कतें हो उन सब का खाका तैयार कीजिए, हम लोगों के बारे में बात करेंगे। और इस दौरान जिलाधिकारी राकेश मिश्रा ने भी दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही जिला अधिकारी ने बताया कि 1,000 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों द्वारा अमेठी में निवेश किया जाएगा और साथ ही 50 से ज़्यादा निवेशकों के साथ AMU में हस्ताक्षर किया गया है। इन लोगों द्वारा अमेठी में कई तरह के निवेश किए जाएंगे जिससे अमेठी की इकोनॉमी के साथ रोजगार के भी अवसर प्राप्त होंगे और इस दौरान ही जिला प्रशासन के साथ अन्य विभाग के संबंधित अधिकारियों के साथ सैकड़ों निवेशक शामिल हुए थे। मेरे आप सभी से अनुरोध है कि मेरी तरफ ध्यान रखें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 मिनट के अंदर कार्यक्रम आगे जनपद के निर्माण में मेरी अहम भूमिका रही है। मेरी चाहत रही है कि ये जो औद्योगिक कब्रिस्तान बना हुआ है अमेठी, फिर से खुशहाल हो। इसी के सापेक्ष हमने 284.5 करोड़ का निवेश करने का संकल्प लिया है। 1,000 करोड़ क्रॉस कर गया है और पूरा जो टोटल इस बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ 6,000 करोड़ क्रॉस कर गया। अब MOU हो रहे हैं, कुछ उद्यमी नहीं आ पाए हैं। इस बीच में पिछले करीब 6-8 महीनों में हम लोगों ने बहुत कोशिश की है कि जो भी इंडस्ट्री की दिक्कतें हैं, इंफ्रा की दिक्कतें हैं, सुविधा की दिक्कतें हैं, जिस किसी भी विभाग की जहाँ जहाँ दिक्कतें उनको हल किया जाए अभियान चला करके। तो उद्यमियों की बैठक में यहाँ वहाँ हम इसी के क्रम में जगह इंडस्ट्री एरिया में को बैठक की, उसी के क्रम में जो 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 भाषा जालौन में आटा नेशनल हाईवे पर मौजूद एक कॉलेज के पास भरे पानी में आटा निवासी वृद्ध की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें आपको कि जालौन से खबर है जहां पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जालौन के कदोरा कोतवाली क्षेत्र के पथरेहता खंड संख्या 3 में बाज नहीं आ रहे खनन माफिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और NGT के नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं और जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खनन माफियाओं द्वारा करोड़ों के राजस्व की चोरी की जा रही है। बताते चले कि जालौन हमीरपुर सीमा पर खनन माफिया हुए बेखौफ, जिला प्रशासन और शासन की आंखों में धूल झोंक कर करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। खनन माफिया और लोकेशन माफियाओं की मिली भगत से जिले से निकाले जा रहे सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक बिना रॉयल्टी ट्रक निकालने में करियल लोकेशन गैंग के गुर्गे रात भर हाईवे पर निकलवाते हैं और मोरंग से भरे ओवरलोड ट्रक नदी की जलधारा को अवरुद्ध कर हैवी वेट और पोकलैंड मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। तो आपको जालौन से खबर बता रहे हैं जहां पर अवैध खनन का मामला सामने आया है और बताया जा रहा है कि मिली भगत से ये कारनामा किया जा रहा है। एक आठ जगहों का निरीक्षण हम लोग ने किया था। यहीं पे कालपी रेलवे स्टेशन के अंतर्गत जो यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पर काफ़ी पानी भर गया है खेतों में, वहाँ का भी निरीक्षण किया था और जो हमारे रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी उनसे बात भी की थी और उनके द्वारा वहाँ टीम भेजी गई। इस समय SDM साहब वहीं पे हैं क्योंकि मुझे ये बताया गया कि वो बहुत एक बड़ा मुद्दा बन गया है, काफ़ी खेत हमारे जलमग्न हो रहे हैं जिससे दिक्कतें हो रही हैं किसानों को। तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसका समाधान हम लोग जल्द से जल्द कर सकें। बाकी एक डिग्री कॉलेज जो निर्माणाधीन है उसका भी निरीक्षण किया गया और वहाँ पर भी
काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जेल में बंद रहने के दौरान कैदी ने कुछ तस्वीरें अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी हैं, जिससे सनसनी मच गई है। वहीं इस मामले को लेकर जब जेल सुप्रिटेंडेंट ब्रजेश कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीरें कैदी ने जो पोस्ट की है वो भाई दूज के अवसर पर ली गई तस्वीरें हैं। तस्वीरें जिस फोटो स्टूडियो के द्वारा खींची गई थी वो जेल के अंदर फोटो के लिए मान्यता थी, और उसी के साथ ही ये फोटो जो है वो खींची गई है। और बाद में जेल से रिहा होने के बाद कैदी ने फोटो स्टूडियो से ही 40 रुपये प्रति कॉपी के हिसाब से ले ली और इन्हें फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दिया। और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट होने की जानकारी जब जेल प्रशासन को हुई तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए फोटो स्टूडियो को जेल के अंदर बैन कर दिया। तो वहीं कैदी के द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों को इटावा हटवा भी दिया गया है। और जेल सुप्रिटेंडेंट ने बताया है कि कैदी और फोटो स्टूडियो संचालक दोनों ही इस बात से अनजान थे और इस तरह की तस्वीरें लेना और पोस्ट करना गैरकानूनी है। सर्वप्रथम मैं अवगत कराना चाहूंगा, जो फोटो मैंग सैनी नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपने फेसबुक आईडी पे अपलोड की गई है, वह मैंग सैनी 4 महीने पहले कारागार में निरुद्ध था। उसके द्वारा जो फोटोग्राफ अपलोड की गई है वो भाई दूज के पावन पर्व का कार्यक्रम कारागार में मनाया जा रहा था, उस दिन की ही वह फोटोग्राफ से, चूंकि कारागार में कारागार का DSLR कैमरा खराब था तो चरण स्टूडियो जो बंदी के मृत होने पर सामान्य रूप से कारागार में मृत बंदियों की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करने के लिए बुलाया जाता है, उस दिन उनको बुला दिया गया था कि कुछ फोटोग्राफ्स वो क्लिक कर लें। उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे किसी इंडिविजुअल बंदी की फोटो नहीं खींचनी, उसने उसकी एक दो फोटो क्लिक कर ली थी। और वह बंदी जब कारागार से दिनांक 18 नवंबर को अभी रिलीज हुआ है तो वो रिलीज होने के उपरांत उनके पास से वो फोटो प्राप्त कर लिया था और फोटो प्राप्त करके 40 रुपये में उनको भुगतान किया, जैसा कि चरण स्टूडियो का जो मालिक है सनी, उन्होंने लिखित रूप में कारागार में अपना प्रस्तुतिकरण किया है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान चाचा भतीजे के बीच खाई तेजी के साथ पट गई है। आपको बता दें कि इसमें दोनों के नेता रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुधवार को इटावा में एक जनसभा के दौरान शिवपाल सिंह यादव ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे नेता जी के नाम से संबोधित किया। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अखिलेश को अब से भी छोटे नेता जी के नाम से पुकारे। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आए जरूर थे लेकिन दूरियां नहीं मिट सकी थी, और सपा के नेताओं ने भी अखिलेश के रुख को देखते हुए शिवपाल को अपने यहाँ प्रचार के लिए बुलाने पर परहेज किया था। और साथ ही आपको बता दें कि हुए भी दूरियां नजर नहीं आई थी और चुनाव के बाद ये दूरियां और बढ़ गई, और लेकिन मुलायम सिंह यादव के बीमारी के बीच ये खाई धीरे धीरे पटने लगी है। हमारी जो प्रत्याशी है डिंपल यादव हमारे परिवार की बहू है और पूरे समाजवादियों की हमारी बहू है, और इस चुनाव में मैदान में और इतनी बड़ी जीत दिला देना दूर दूर तक विपक्षियों का पता न चला। और इसलिए मैं अखिलेश से भी कहना चाहता हूं, मैं आपका करैल का भाषण सुन रहा था, जिलाधिकारी नवनीत चहल ने आगरा किले का निरीक्षण किया है। आगरा किले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है। बताते चलें कि आगरा किले के वाहन पार्किंग की व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई है और पर्यटक को परेशानी ना हो इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ADM सचिव गरिमा सिंह, अधीक्षक पुरातत्वविद राजकुमार पटेल साथ अन्य जो आला अधिकारी थे वो मौजूद रहे हैं। तो आगरा से आपको खबर बता रहे हैं जहाँ पर जिलाधिकारी नवनीत चहल ने निरीक्षण किया है, और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आगरा किले का ये निरीक्षण किया गया है।
तो आगरा से खबर है जहां पर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया है आगरा किले का। बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस बल के साथ पहुंचे और इसके साथ ही निरीक्षण किया गया और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया है। खबर उन्नाव से है जहां सिद्धार्थ शंकर मीना पुलिस अधीक्षक उन्नाव की अध्यक्षता में जागरूकता अभियान का समापन समारोह यातायात कार्यालय में ही आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम का आयोजन यातायात प्रभारी अरविंद पांडे द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पुलिस अधीक्षक और विशिष्ट अतिथि के रूप में ही शशि शेखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर दीपक कुमार सिंह, क्षेत्र अधिकारी हसन गंज को पुष्प गुच्छ देकर ही स्वागत किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत पेट्रियट इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य के माध्यम से की गई है। कार्यक्रम में किंग्स इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया और छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता पर एक जागरूकता गीत भी गाया गया है। पुलिस अधीक्षक ने यातायात महीने के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया है। तो नाव से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर जागरूकता अभियान का समारोह रखा गया। समारोह यातायात माह नवंबर 2022 के नाम से और इसमें पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे और बताया जा रहा है कि यहां पर ही मुख्य अतिथि जो रही हैं उसके रूप में शशि शेखर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष कुमार, क्षेत्र अधिकारी नगर दीपक कुमार सिंह और क्षेत्र अधिकारी हसन गंज को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया था। और कार्यक्रम की शुरुआत आपको बता दें कि कॉलेज के छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना नृत्य के माध्यम से की गई थी और कार्यक्रम में इंटर कॉलेज के ही छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन भी किया गया था और छात्राओं द्वारा यातायात जागरूकता पर एक जागरूकता गीत भी गाया गया। पुलिस अधीक्षक ने यातायात माह के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया है। और इसी खबर पर हमारे साथ उन्नाव से संवाददाता मोहम्मद अब्बास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, यातायात सुरक्षित करने के लिए पुलिस लगातार कार्य कर रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें यातायात लगातार अपने प्रयास कर रही है। यहाँ जो एक माह होता है यातायात का, आखिरी माह जो नवंबर में शुरू हुआ था वो लगातार यहाँ शुभारंभ हुआ था यातायात कार्यालय में, तो उसका शुभारंभ हुआ बड़ी धूमधाम से हुआ था। और उसी के साथ यहाँ लगातार चालान जो है चलान किए जा रहे थे और हेलमेट की हिदायत दी जा रही थी, लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा था। जी जी, इस तरह से पुलिस द्वारा पहले भी कार्य किए गए हैं और इसमें बच्चे जो छात्र हैं वो भी भारी संख्या में नजर आए हैं मोहम्मद। जी, ये कार्यक्रम हुआ था उसमें ज्यादा से ज्यादा जो स्कूली छात्र थे वो लगातार आए हैं, लोगों ने हिस्सा लिए इसमें और जो लोगों को जागरूक किया है कि मतलब एक पोयम कही है कि लोगों को जागरूक करें पोयम से माध्यम से और एक नाटक प्रस्तुत किया है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया है और लगातार पूरी प्रयास करती रही है, लगातार स्कूल जाती रही है और वहाँ भी लोग बच्चों को जागरूक करती रही है। इसी तरह से पुलिस ने भी चौराहों पे जा करके जो स्कूटी सवार है, बाइक सवार है, कार सवार है, उन लोग को जागरूक किया है, सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी है, हेलमेट लगाने की हिदायत दी है, लगातार ऐसे प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। जी जी मोहम्मद, बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिला है इस यातायात माह को लेकर? ये बताते हैं कि बच्चे जो हैं वो आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो लगातार स्कूटी चला रहे हैं, जो कम उम्र के हैं, नाबालिग हैं, तो उनको भी लगातार हिदायत भी देती रही है और उन लोगों की उत्साह है कि वो अब जो है जो स्कूटी है और बाइक है वो ना चला करके साइकिल से स्कूल जा रहे हैं। जी जी मोहम्मद, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिजनौर में डीएम और एसपी ने जिला कारागार निरीक्षण किया है। कैदियों के बैरकों के सघन चेकिंग क्षेत्र निरीक्षण में आपत्तिजनक कोई सामान नहीं मिला। बताते चले कि बिजनौर जिला कारागार का निरीक्षण किया गया जहां पर बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक कोई भी सामान नहीं मिला है, लेकिन जाँच की गई है। बताया जा रहा है कि जिला कारागार का यह निरीक्षण किया गया है।
तो बिजनौर से खबर है, जहां पर बिजनौर में डीएम और एसपी ने कार्य किया है। आपको बता दें कि कारागार निरीक्षण का उन्होंने निरीक्षण किया है कारागार का, और कैदियों के बैरकों के संघन चेकिंग क्षेत्र निरीक्षण में आपत्तिजनक कोई सामान मिलने की फिलहाल सूचना नहीं है। और ये भी जानकारी दे दें कि बिजनौर जिला कारागार का ये निरीक्षण किया गया है, जहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा एसपी भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं और डीएम भी वहाँ पर मौजूद रहे हैं और पुलिस बल के साथ ये निरीक्षण किया गया है, लेकिन जानकारी ये है कि अभी तक कोई भी वहाँ पर आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। लगातार सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहते हैं, इसी को लेकर ही निरीक्षण किया गया, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि आपत्तिजनक कोई भी सामान नहीं मिला है। तो बिजनौर में एसपी दिनेश सिंह और डीएम उमेश मिश्रा के नेतृत्व में यातायात माह का शुभारंभ किया गया। जनपद भर में 1 नवंबर से शुरू होने वाले यातायात माह में बिजनौर जिला प्रशासन ने जन सहयोग से यातायात नियमों का पालन कराने में उपलब्धि हासिल की है। सड़क पर जिधर देखो उधर दोपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए और यातायात नियमों का पालन करते दिख रहे हैं। गौरतलब है कि हर साल की भांति इस साल भी 1 नवंबर से बिजनौर में यातायात माह की शुरुआत की गई थी। जिले के सभी आला अधिकारी ने 1 नवंबर से यातायात माह का शुभारंभ किया था, जिसका आज समापन हो गया है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से शुरू होने वाले यातायात माह में जनपद भर में सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करते दिख रहे हैं। बिजनौर जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देकर लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की थी, और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मेहनत का नतीजा रहा कि जिले भर में सभी लोग नियमों का पालन करते दिखाई दे रहे हैं। जनपद में अचानक सड़क हादसों से हो रही मौतों का सिलसिला भी अब थम गया है। जिले में सड़क हादसों से सैकड़ों मौतें होने के बाद बिजनौर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराकर जनहित में एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिससे बिजनौर डीएम उमेश मिश्रा और एसपी दिनेश मिश्रा की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। यातायात माह के समापन के अवसर पर आधुनिक पुलिस अधीक्षक एसपी सिटी साहब, सीओ सिटी साहब, ट्रैफिक से जुड़े हुए सभी जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण हैं, बिजनौर के संभ्रांत नागरिकगण, इस यातायात सप्ताह में बढ़ चढ़ करके लोगों को जागरूक करके और हमारे पूरे अभियान को सफल बनाने वाले पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन देखते हैं सामने प्रकरण आते हैं कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों के जीवन को बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है, ऐसे में यातायात के नियमों के प्रति प्रासंगिकता, उसके प्रति जागरूकता हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैन धर्म में कहा गया है जीनो और जियो और जीने दो। तो आज के समय में क्योंकि कोई व्यक्ति नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उन्नाव के बागर मऊ कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर कट्टर गांव में नशे में धुत आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने हंगामा किया है, और जब पड़ोसी ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। वहीं मारपीट के दौरान बुजुर्ग और उसके भतीजे को जान से मारने का प्रयास किया गया है। तो आपको उन्नाव से खबर बता रहे हैं, जहाँ पर दो पक्षों में विवाद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने पीड़ित परिवार के साथ दबंगई की है। उन्नाव के बागर मऊ कोतवाली क्षेत्र फरीदपुर कट्टर गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत आधा दर्जन से ज़्यादा दबंगों ने हंगामा किया है, और जब पड़ोसी ने दबंगों का विरोध किया तो दबंगों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया। वहीं मारपीट के दौरान बुजुर्ग और उसके भतीजे को जान से मारने का प्रयास भी किया गया है, जिनका इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ मोहम्मद अब्बास बने हुए हैं। मोहम्मद अब्बास, क्या मामला है, पूरा विस्तार से बताइए।
जी बिल्कुल, आपको बता दें रेल कोतवाली राजा दास का बताया जा रहा है जहाँ पेट्रोल डलाने और डीजल लेने के लिए जो व्यक्ति गया हुआ था, तो उसके द्वारा ये कहा गया कि डीजल जो पेट्रोल है इसमें कमी है, जो मीटर आता है गलत बता रहा है, तो उसने वीडियो बनाने लगा वहाँ पे। इसी के दौरान जो वहाँ पेट्रोल पंप में डाल रहा था तो उसने उससे अभद्रता की, जो पेट्रोल पंप मालिक है उसके लड़के ने उससे अभद्रता की, इसी के दौरान उन लोगों ने झड़प हुई और वहाँ मारपीट होने लगी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। जी जी मोहम्मद, इसको पुलिस की पूरे खबर की पुलिस को सूचना मिली अभी तक? जी पुलिस का कहना ये है, जब वीडियो ये सामने आता है तो पुलिस ये कहती है कि ट्वीट करके कि ये वीडियो जो है वो एक साल पुराना है, तो इसके मतलब ये पुराना वीडियो है, इसको हाईलाइट करके और इसी में दूसरे व्यक्ति जो धड़प हुई थी तो उसने ये वाला वीडियो वायरल करके और अपना प्रार्थना पत्र आज का ये वाला दिया है, ये बताया जा रहा है। मोहम्मद, ऐसे दबंगई पहले भी सामने आई है या ये दबंगों ने पहली बार ऐसे नशे में ऐसे धुत होकर एक परिवार पर हमला किया है? अक्सर देखा जाए पुलिस जो अक्सर जो है या इसी तरह की वीडियो सामने आती रही है पेट्रोल पंप की। अभी हाल में भी एक हफ्ता पहले भी एक वीडियो सीएनजी पंप है वहाँ का भी सामने आया था, जहाँ जो ओवर रेटिंग की जा रही थी तो उसमें भी वहाँ पे थोड़ी बहुत दिखाई हुई थी, उसका भी वीडियो सामने आया था। ऐसे कई वीडियो है जो सामने आते रहते हैं। जी पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे मोहम्मद? पुलिस लगातार इसकी जांच करी है पुलिस ने, तो पुलिस ने यही कहा है कि वीडियो पुराना, मगर अभी इसने जो प्रार्थी था उसने प्रार्थना पत्र भी थाने में दिया है, उसकी तहरीर को मुकदमा भी दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी जी मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको उन्नाव से खबर बता रहे थे जहाँ पर दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने हमला किया एक परिवार पर, नशे के हालत में धुत थे, जिसके बाद अब परिवार के दो परिजनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर सतर्क नजर आ रही है और मामले की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।